भाई अभी हम लोग आए यहाँ पे रियाजुल जन्ना के लिए, तो परमिट वगैरह अभी मुझे मैसेज आया है कि परमिट आपको मिल गया है, और अभी मैं और बाबा हम दोनों ही आए। अभी यहाँ से रास्ता जाता है आगे से, और वहाँ पे होती है चेकिंग उस जगह पे ना। अब देखते हैं चेकिंग वेकिंग करवाते हैं, और दूसरा फिर परमिट तो मिल गया है। उनको सिर्फ दिखाना होता है, उनको ना सिर्फ दिखाना होता है कि भाई ये हमें एक QR कोड मिलता है, सिर्फ वो दिखाना होता है। वो QR कोड दिखा के फिर रियाजुल जन्ना में अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। एक अरबी यहाँ खड़ा है, दूसरा अरबी वहाँ खड़ा है। तो भाई अभी इसने चेकिंग वगैरह करके जो है ना अभी हमें पास कर दिया है। बाबा भी जा रहे हैं, मैं मुझे भी पास कर दिया। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर से कैसा है रियाजुल जन्ना। अब इसका रास्ता जो है वो मेडिकल यहाँ से जा रहा है। ये आगे पता नहीं क्या है इनका, फिर चेक पोस्ट है मेडिकल जा रहे हैं। इन्होंने अब जो है एक शॉपर दिए चप्पल वगैरह, ये अंदर से रियाजुल जन्ना। सुभान अल्लाह, एक अलग ही खुशबू आ रही है यार यहाँ से ना। धोती भी दिए अभी यहाँ दो रकात नफिल वगैरह पढ़ने हैं। इसको रियाजुल जन्ना को जन्नत की क्यारी भी कहा जाता है। हाँ निकला इस तरफ रसूलुल्लाह का रोज़ा मुबारक है। तो भाई ये है रियाजुल जन्ना का अंदर से व्यू, ये इसका अंदर से व्यू, और इसके बिल्कुल बराबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक है। यहाँ पर सुनहरी जानी है रोज़ा मुबारक है। अभी हमें आधा आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ तो ये आ गया यल्ला शेख वाला, यल्ला निकलो आजी, निकलो निकलो यल्ला, ये आ गया तेरा। लड़ता है भाई लोगों से, इन लोगों को निकाल रहा है ऐसा जन्ना। ये इसके अंदर से भी हुए। अच्छा यहाँ जो है साल में एक दफ़ा आने की इजाज़त है, साल में एक दफ़ा इसका परमिट मिलता है, पूरे साल में एक दफ़ा इसका परमिट मिलता है, उसके बाद फिर अगले साल आपको परमिट मिलेगा यहाँ पे ना। तो बड़ी प्यारी जगह है, गुरु पाक ने फरमाया था कि रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस क्यारी में। और जिसने रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया था, जिसने मतलब रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ी उसने ये समझो कि उसने जन्नत में नमाज़ पढ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये समझा है कि हमने जन्नत में नमाज़ पढ़ी है, जन्नत में नफिल पढ़ाएँ। बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा ये जगह वो है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत किया करते थे, सहाबा इकराम को नमाज़ पढ़ाया करते थे, ये इमामत की जगह है। और दूसरी जगह ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दिया करते थे, यहाँ पर बैठकर जुम्मे का खुतबा दिया करते थे, और इसे मिंबरे रसूल भी कहते हैं। अच्छा तीसरी जगह ये वो जगह है जहाँ पर अजान दिया करते थे हज़रत बिलाल। अच्छा ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे इस वजह से लगाई हैं क्योंकि वहाँ पे जब मैं रियाजुल जन्ना गया तो वो लोग आ गए थे वहाँ के पुलिस वाले,
तो वो उन्होंने ना जल्दी से सबको ही यार 5 मिनट में खाली कर दिया पूरा ना रियाजुल जन्ना, इतनी जल्दी जल्दी सबको बाहर किया। वीडियो मिस हो गई उनकी वजह से ना, इस वजह से फिर पिक्चर्स तो शुक्र है पिक्चर्स थी, फिर पिक्चर्स लगाई हैं अभी भाई। तो ये हम वापस आ गए वहाँ से, ये लोग आ गए थे ये अल्लाह हाजी वाले। अच्छा ये जो गेट है ये हज़रत अबू बकर का घर मुबारक था किसी ज़माने में ना, ये वाला। तो भाई अभी बाहर निकले हैं मस्जिद नबी से और फजर की नमाज हो गई। अच्छा ये एक मस्जिद आती है मस्जिद इमामा, वो है मस्जिद। ये जब हुजूर के दौर में बारिश नहीं हो रही थी मदीने में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आके दुआ की थी, फिर बारिश इतनी हुई थी कि यहाँ जो है ना नदियाँ नाले भर गए थे। ये वो मस्जिद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज जनाजा भी पढ़ाई है और इमामत भी की है यहाँ पे इस मस्जिद में। ये मस्जिद अबू बकर, ये मस्जिद अली है। अच्छा इनके ये दौरे खिलाफत में मस्जिदें थीं जहाँ पे ये लोग मतलब बैठ के फैसले वगैरह भी किया करते थे, और दूसरा है कि बैठ के यहाँ पे खुली कचहरी वगैरह भी लगाया करते थे यहाँ ना। इससे आगे चलेंगे तो वहाँ आएगी मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा इस रोड से थोड़ा ही आगे आते ही तो ये मस्जिद आती है। तो ये मस्जिद है तो मतलब इसी दौर की, लेकिन इसको टाइम टू टाइम मतलब मेंटेन किया है। और ये जो है इसमें पत्थर जो मतलब ये लगे हुए ना, ये जो पत्थर यूज हुए हैं ये आज के ही दौर के हैं, मतलब डिज़ाइन इसको अभी दिया है लेकिन है ये डिज़ाइन पुराना। वो पिछली मस्जिद मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, और उससे वाइट वाली उसके सामने जो थी वो मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये है मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा हमारे होटल से ये तीनों मस्जिदें और मस्जिद नबी बिल्कुल करीब है, होटल भी हमारा इधर ही है गली में आगे। सब कुछ लिखा हुआ है भाई। तो इस तरीके से जो है ना ये तीन मस्जिदें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज पढ़ ली। सबसे ज़्यादा खुशी उस बात की है कि यार नमाज पढ़ ली है अपना ये रियाजुल जन्ना में नाम जैन से उधर रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, अल्लाह हाफिज़।